अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम जी शेख, मेरा ये सवाल है, अब रमजान मुबारक महीना आ रहा है, उस रोजे रहने से पूरे सगीरा गुना मिट जाती करके बोले, क्या अब हमारे इसमें क्या चलता है? सगीरा गुना कौन से, कबीरा गुना कौन से, कौन भी इंसान ऐसे समझ नहीं पा रहा है। छोटे मोटे गुना कर डालता है, नहीं वो गुना के काबिल नहीं करके बोलती, कबीरा गुना कर डालती, गुनाच नहीं करके बोलती। जरा वजाहत कर दीजिए, कबीरा और सगीरा गुना कौन से? बहन का सवाल ये है कि रमजान आने वाला है और रमजान के रोजों के सिलसिले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि रमजान के रोजे रखने से पूरे साल के सगीरा गुनाह माफ हो जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि रमजान इला रमजान वल जुमा इला जुमा व सलावातुल खमसा फीमा बैनहा औ कमा कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कफारतुल लिमा बैनहा मज्तनिबतिल कबाइर, कि रमजान के रोजे रखने से पूरे साल के सगीरा गुना माफ हो जाते हैं। जब आदमी जो है जुमा पढ़ता है तो जुमा से लेकर अगले जुमा तक सगीरा गुना माफ हो जाते हैं। इसी तरह से पांचों वक्त की जो नमाजें हैं, दो नमाजों के दरमियान जो सगीरा गुना होते हैं वो माफ हो जाते हैं। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ी नेमत और बहुत बड़ा फजल है कि बशरी तकाजे के तहत इंसान से गुनाह जो सरजद हो जाते हैं तो उनको बख्शवाने का, माफ कराने का भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें मुसलसल मौका दिया हुआ है। बहन का सवाल यह है कि सगीरा और कबीरा गुनाह में फर्क कैसे करें, कि कौन सा गुनाह सगीरा है, कौन सा गुनाह कबीरा है? इस सिलसिले में उलमा ने कुछ उसूल बताए हैं। वो ये है कि अगर किसी गुनाह के सिलसिले में शरीयत के नुसूस के अंदर कोई वईद, कोई सजा आई हो कि फला गुनाह किया तो ऐसे आदमी के लिए जहन्नम है, फला गुनाह किया तो उसको ऐसी सजा मिलेगी, अगर उसके बारे में कोई वईद आई है आखरत के लिए तो वो गुनाह कबीरा है। इसी तरह से किसी गुनाह पर अगर दुनियावी कोई सजा आई हुई है कि अगर ये गुनाह किया तो ये सजा दी जाएगी, कोई चोरी किया तो उसका हाथ काट लिया जाएगा, कोई जिना किया उसको रजम कर दिया जाएगा, कोई तोहमत लगाया उसको कोड़े लगाए जाएंगे, ये दुनियावी सजाएं हैं। तो जिन गुनाहों में किसी दुनियावी सजा का जिक्र आया है या आखरत के सिलसिले में कोई वईद आई है वो कबीरा गुनाह है। उसके अलावा और दूसरे जो गुनाह हैं वो सगीरा गुनाह है। तो ये ज़ाबता है दोनों के दरमियान फर्क करने का।